हेलो गाइज, आज इस वीडियो में जानेंगे अंकुरण, जर्मिनेशन। अंकुरण क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं, ये सब अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यही लेकर आ जाइएगा, आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का बीज है, अगर उसे वायु, नमी, ताप ये मिलता रहे तो वो आसानी से एक नया पौधा बना लेता है। तो अगर कोई भी बीज एक नया पौधा बना लेता है तो वही हो जाता है अंकुरण। ठीक है, अंकुरण की परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं, बीज से एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं बढ़ना ही अंकुरण कहलाता है। हमें फल फूलों से मिलते हैं और फलों में बीज होते हैं। सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उनमें से कुछ बीज जो हैं वो ख़राब मौसम के कारण नष्ट हो जाते हैं और कुछ इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो नया पौधा बन सके। बीज अंकुरण के लिए उचित मात्रा में हवा, पानी, गर्मी, मिट्टी ये सब होना ज़रूरी है। फलों और बीजों का फैलाव, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। कहने का मतलब ये है कि फल और बीजों ये जो फैलाव है वो जानवरों द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, फल के विस्फोट द्वारा भी होता है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। जानवरों द्वारा फैलाव, डिस्पर्सल बाई एनिमल्स। कुछ बीजों और फलों जैसे जेंथियम और टाइगर नेल में हुक, कांटे और कड़े बाल होते हैं। जब मवेशी चरने जाते हैं तो वे उनके शरीर से चिपक जाते हैं, मवेशी उन्हें अनजाने में दूर तक ले जाकर बिखेर देते हैं। इस तरह से जानवरों द्वारा वो जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर बीज चला गया तो वही हो गया जानवर, जानवर द्वारा अगर गया तो जानवरों द्वारा फैलाव हो गया। ठीक है, वायु द्वारा फैलाव, डिस्पर्सल बाई विंड या डिस्पर्सल बाई एयर। कुछ बीज वजन में बहुत हल्के होते हैं, इस प्रकार वे हवा द्वारा उड़ाए जाते हैं। प्रकृति ने बीजों को पंख की तरह कुछ विशेष अंग दिए हैं, ये बीज को हवा में उड़ने में मदद करते हैं। अब जानते हैं कुछ बीज हल्के होते हैं और कुछ बीज भारी होते हैं। तो हल्के जो बीज होते हैं वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो वायु द्वारा हो गया फैलाव। ठीक है, जल द्वारा फैलाव, डिस्पर्सल बाय वाटर। जल के निकट उगने वाले पौधों, मतलब जल के नज़दीक कोई भी पौधा है तो उसका जो बीज है वो पानी में ही गिरेगा। तो पानी में गिरेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा। तथा जल पौधों के बीज जल द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। मैंने अभी भी बताया कमल और नारियल ये पानी में आसानी से तैरते हैं। फलों के विस्फोटक द्वारा फैलाव, डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। मटर, भिंडी, बालसम और पेंसी जैसे कुछ फल बहुत ज़ोर से फूटते हैं जिससे उनके बीज जो हैं मूल पौधे से कई मीटर दूर गिर जाते हैं। इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फैलाव का मतलब तो आप जानते ही हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, फैलाव, छितरा जाना, बिखर जाना। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आसानी से आपको आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।